तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जिसका नाम है लासा या और मासा। ये पा भी लगा देते हैं, लासापा और मासापा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक या LCM और क्या हो जाए HCF। ठीक है, तो इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। तो HCF क्या होगा या LCM क्या है हमारा, लासा क्या है या मासा क्या है। तो अगर बाई चांस मान लो दो संख्याएं में दिए ए और बी, दो संख्याएं कैसी दी हैं ए और बी, तो इस संख्या से एक ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकालना है, क्योंकि लघुत्तम है ना, तो इन दोनों संख्याओं से एक ऐसी छोटी संख्या जो दो पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या होगी, लासा होगी। एक ऐसी संख्या निकालनी छोटी से छोटी कि वो इनसे पूर्णतः कैसी हो जाए, विभाजित, पूरी पूरी कट जाए, लेकिन छोटी से छोटी चाहिए, उससे छोटी और नहीं कटनी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे LCM। और महत्तम समापवर्तक का मतलब है, महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी। अब यहां हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, लेकिन अब उल्टा होगा, हम अभी इन दोनों से यहां भाग कर रहे थे, जो मतलब हमें मिल रही थी संख्या, मान लो एल ही मान लो दर्शाने के लिए, एल को हम इन दोनों से भाग कर रहे थे, लेकिन यहां हम क्या करेंगे, जो संख्या हमें मिलेगी हम उससे इन दोनों को भाग करेंगे, अब उसको इन दोनों से भाग करेंगे, इन दोनों को भाग करेंगे, जैसे लिखेंगे ए अपॉन एच या बी अपॉन एच। तो यहां पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, यहां ये एच का मान बड़े से बड़ा होगा, एच का मान वो बड़े से बड़ा, यानी जो हमारा मासा है वो बड़े से बड़ा मान होगा, वो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इनसे छोटा ही होगा, ध्यान रखना, बड़ा तो होगा नहीं इनसे विभाजित करने के लिए, है ना, पूर्णतः विभाजित। और यहां हम बात करेंगे, यहां हम इन दोनों से ही इसे भाग करेंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, छोटे से छोटा मान। तो यहां हम विभाजित कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एल का मान है, यानी हमारा जो लासा आएगा वो इनसे बड़ा होगा, इनसे बड़ा होगा, वैसे ये छोटे से छोटा मान होगा जिससे ये पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें वैसे ऊपर वालों से तो छोटा ही होगा, लेकिन वो बड़े से बड़ा मान होगा कि उससे बड़ी कोई संख्या फिर इन दोनों को नहीं काटेगी। आगे समझ में। अब सपोज करो हम ये कैसे निकालेंगे, तो इसके दो मेथड है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। भाग विधि सबसे सही रहती है ना, भाग विधि के लिए लासा गुणनखंड विधि से ही निकलेगा, मासा में भाग विधि उपयोग करेंगे। कैसे उपयोग करेंगे, तो लासा में देखो मान लो ए के हमने गुणनखंड किए, हमारा क्या बना, ए के मान लो एक्स बाई गुणा में लिख रहे हैं, गुणनखंड है तो, और जेड। अब इनकी कुछ पावर आएंगी, मान लो इसकी पावर आ गई एन, इसकी आ गई एन, चलो संख्या में लिख दे रहे समझ में आ जाए, है ना, इसकी दो मान ले रहा है, इसकी तीन मान ले रहा है, इसकी चार, सपोज कर लो ए के हमने गुणनखंड किए और ये हमें एक संख्या मिल गई। ऐसे ही हमने बी के किए और उसके भी कुछ ना कुछ गुणनखंड मिले, जैसे मान लो एक्स मान लिया, फिर मैंने ए मान लिया, चलो बाई मान लिया, जो भी है, या बी मान लो, और यहाँ हमने पावर मान ली तीन, इसकी मान ली दो, इसकी चार पावर, और हमें इसका क्या चाहिए, LCM चाहिए, लासा चाहिए। तो लासा ये कहता है कि इन दोनों में से पहले उनको लिखना है जो दोनों में कॉमन है, उसको लिखो जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन कौन है, एक्स कॉमन है दोनों में, और इसमें भी घात वो लिखनी है जो बड़ी वाली हो, एक्स थ्री। अब ये वाला नहीं लिखना है क्योंकि ये एक्स का घात दो इसके अंदर चला गया। अब गुणा में वो लिखना है जो शेष बचेगा, तो इधर ये शेष बचेगा, ऊपर वाला ये बन, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा लासा। ठीक है, आगे समझ में, लासा हो गया गुणनखंड विधि का, कि पहले वो लिखो जो दोनों में कॉमन है और उसकी भी बड़ी पावर, और गुणा में फिर शेष टोटली। अगर हमसे याद करवाएं HCF, तो इसमें क्या करना है, वो लिखो जो दोनों में कॉमन है लेकिन उसकी छोटी पावर है, ये हाई वाला लेकिन लिखे छोटी वाली घात जाएगी, और ऐसे यहाँ कैसा है, ये लघु वाला लेकिन घात कैसे लिखी जाएगी, बड़ी वाली, उल्टा होगा। अब इसमें शेष वाला लिखा नहीं जाएगा, आगे समझ में, गुणनखंड विधि कि गुणनखंड किए उन दोनों संख्याओं के, और गुणनखंड करने के बाद में कॉमन वाला गुणनखंड पहले लिखा लासा में, और उसकी बड़ी पावर लिख ली
बाद में गुणा में सभी शेष जो भी बचा ऊपर से। और HCF ज्ञात करना है तो कॉमन वाला लिखा लेकिन उसकी छोटी पावर और शेष वाला छोड़ दिया। अब अगर हमें भाग विधि से देखना है तो A और B को लिखना है इस टाइप से, लासा निकाल रहे हैं इस टाइप से निशान लगाएंगे और किसी संख्या से काटेंगे। यहाँ पर दोनों कटनी चाहिए तब काटो, अगर दोनों नहीं कट रही है तो जिस संख्या से काट रहे वो प्लस जो इनका शेष बचेगा उनकी गुणा कर दो, हो जाएगा। ठीक है, जिस संख्या से काट रहे हो वो विभाजित कर रहे हो और प्लस में या गुणा में फिर इन दोनों का जो शेष बच रहा है वो पूर्णता। और ये तो हो गया लासा की बात, हम करें मासा की बात। तो ए से मतलब छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली को भाग करना है, यहाँ पर छोटी वाली से क्या करना है बड़ी वाली को भाग करना है। और भागफल जो भी जाएगा, मान लो एक गया और हमने लिखा है ए, मान लो हमारा क्या बच गया सी, तो जो शेषफल बचेगा उससे जिससे हमने भाग किया फिर उससे को भाग करना है ऐसे। और ये तब तक प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि शेषफल शून्य ना जाए। जो शेष बचेगा उससे जिससे हमने भाग किया उस संख्या को भाग करो, हर बार में भाग करो, हर बार में भाग करो शेषफल से जिससे भाग किया पहले उससे। और कब तक भाग करेंगे, जब तक कि शेषफल शून्य ना जाए। और शून्य आएगा जरूर, कभी आए लेकिन आएगा जरूर। तो जो लास्ट में पूरा का पूरा काटेगा, जैसे मान लो सी ने अभी ए को पूरा काट दिया तो सी मासा हो जाएगा, जो लास्ट में काटेगा वो ही मासा। समझ में आ गया लासा क्या है मासा क्या है, दोनों विधियाँ समझ में आ गई। जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक तो देखते हैं इसका हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। मान लो हमारे पास में दो संख्याएं क्या है, ए और बी है, और इनका लासा और मासा मान लो क्या है, लासा जो भी मानना चाहो लासा एल मान ले रहे हैं और मासा क्या मान ले रहे हैं एच। तो इनके बीच में एक संबंध होता है कि दोनों संख्याओं की जो गुणनफल होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, जैसे संख्या क्या है ए बी, तो ए गुणा बी बराबर होगा लासा गुणा मासा। ये पॉइंट भी याद रखना है। इसमें अगर कोई हमें तीन वैल्यू दी है हम दूसरी आराम से निकाल सकते हैं, जैसे लासा मासा दे दिया और एक संख्या में दे दिया, पूछे दूसरी संख्या क्या है तो हम लासा गुणा मासा लिखेंगे और एक संख्या से इधर कर देंगे भाग, क्योंकि तो गुणा वाली भाग में आएगी दूसरी संख्या मिल जाएगी। या वो कहें दो संख्याएं ये हैं, लासा ये दिया है, अब क्या ज्ञात करना है मासा ज्ञात करना है, तो दोनों संख्या गुणनफल में हम लासा से कर देंगे भाग, क्या मिल जाएगा हमें, हाँ एच मिल जाएगा, मासा मिल जाएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, ठीक नोट कर लो। तो हम इसका पहला क्वेश्चन हल करते हैं। इन्होंने इसमें क्या कहा है पहले इस बात को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका ये 616 बटे 1363, ये एक संख्या दी है 616 बटे 1363 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप हमें कैसे प्राप्त होता है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं वो किसी एक संख्या से डिवाइड होंगे, कट जाएंगे दोनों, और कटने के बाद में जो बचेगा वही क्या होगा सरलतम रूप होगा। तो हम सरलतम रूप ऐसे हम कैसे प्राप्त करें, जो हमारा नियम है वो फेल होंगे, यहाँ पर दो से नहीं कटेगा ये कोई सा भी, दोनों कटने चाहिए, तीन से तीनों का योग करके देखो, मतलब हमने 11 तक ही तो देखा है उससे बड़ी हमने हमें पता नहीं, तो हम कैसे अब देखें इन्हें कौन सी संख्या से कटे। तो सबसे मेन पॉइंट यही याद रखो, इन दोनों का निकालो एच सी एफ, मासा निकालो, जो मासा निकलेगा समझ लो वो दोनों से कट के ही आया होगा, मतलब दोनों का कॉमन वाला ही मिला होगा। मासा कैसे निकालेंगे, या तो गुणनखंड विधि से निकालो या भाग विधि से, भाग विधि सबसे सरल लगती है ना। तो इसमें क्या करना होता है, छोटे वाले को बड़े वाले से, बड़े वाले को भाग करना है, छोटे वाले से बड़े वाले को क्या करना है भाग करना है। आगे समझ में, और हमें क्या करना है, अब इससे हम इसे भाग करेंगे, अब कहोगे संख्या बड़ी है कैसे भाग करेंगे, इसका पाड़ा याद नहीं है, तो इसमें कितने अंक हैं तीन, तो अब पहला अंक जो देखो अगर इससे कैसा है बड़ा है तो तीन ही अंक लेना है इधर को, और अगर पहला अंक छोटा है तो चार अंक करने हैं फिर, तभी तो बाहर जाएगा। अरे एक अंक एक ले लिए बाई चांस, और छः से एक में भाग करोगे क्या बाहर जाएगा, दो अंक लोगे, एक अंक था तो दो अंक बने नहीं बने,
ऐसे तीन अंक होंगे तो कितने बनेंगे, चार। तो चार तो पूरे आ गए। अब हमें 611 का जब पहाड़ा याद नहीं है तो हम इसके दो अंक छिपा देंगे, तो जो हमने चार अंक लिए थे उसके भी दो अंक छिपा देंगे। तो 6 से 2 को बाहर चला जाए, वो 6 से 12, 12 मतलब 13 को बाहर जाएगा, 12। तो 6 दूनी 12। अब लेकिन 12 नहीं लिखना है यहाँ पर, इस 2 की गुणा करके यहाँ लिखना है। तो 2 एक कम, अब देखो मैंने कहा ना 4 अंक लेना है, तो यहाँ से ही लिखना चालू करना, ठीक है, यहाँ से नहीं। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 छंग 12। अब यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ कितना बचा, 4, और यहाँ कितना बचा, 1, और यहाँ कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को चाहे क्रॉस से लिख लो या मत लिखो। अब ये जो शेष बचेगा जिससे भाग किया है वो उधर आगे लिख लो। अब हम देखेंगे, हमने देखा इसका पहला अंक और इसका पहला अंक बड़ा ये वाला, तो 3 ही अंक चाहिए हमें, 3 अंक हैं। हमने 2 अंक इसके छिपा दिए, 2 अंक इसके छिपा लिए। अब 6 बार पूरे पूरे जाएंगे, लेकिन ध्यान देना कि आगे 14 है, इस वो 14 नहीं 4 है और इसका 1 है, तो इसलिए पूरे पूरे नहीं जाएंगे हम, 1 अंक अब कम कर देंगे जो बाहर जा रहे थे उनमें। तो कितने बार जाएंगे, जा रहे 6, हम लिखेंगे 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, और हासिल है नहीं, हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, देखो ज़्यादा हो गया, 20, 4 बार लिखो। हाँ वो बड़ा है ना, छोटी संख्या देखा था अभी, चलो कोई बात नहीं। तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितना बचेगा, 6 वो 7 बचेगा, 11 में 4 गए, 10 में से गए तो कितना बचा, 10 में 6 गए, 4, इधर कुछ नहीं ना। इधर से हमने ये नोट कर लिया, 4 तिया 12, 3 बार देखते हैं, 3, तो 3 3 7 21, हासिल लगा 2, और 3 चौक 12 2 14। पूरा पूरा किसने विभाजित किया यहाँ, 47 ने, 47 ने किया, तो इनका HCF होगा 47। अब 47 से काट के देख लो दोनों को कितना आएगा, 47 से विभाजित करो अब 22 से कितना मिलेगा हमें, तो भाग करके ही देखोगे, 47 से कितने को करोगे भाग, 616, 611, ठीक है। तो 47 एकम 47 कितना बचा, 3 और 1, अगले का नोट कर लिया, तो कितना आएगा, 4 4 3 12, 3 लिख लो, 21 हासिल लगा, यहाँ पर 3 नहीं बचेंगे भाई, 4 बचेंगे, हाँ हाँ अभी वाले की तरह ना, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया भाई, 13। अब देखो, अब दोबारा से अभी से भाग करोगे तो ऊपर वाला 13 आ रहा है ना, तो ये देखो ऊपर वाले में 13 किसके में, भाई 2 दे दिए इन्होंने, कह रहे हैं दूसरे वाले को भाग करेंगे कितने को, 13 63, कितने ऐसे 47, संख्या बड़ी आ गई इसलिए टाइम लग रहा है, ये वाले विभाजिता वाले होते तो आराम से हो जाता। तो देखो कितना जाएगा, मतलब 2 वो 3 बार चले जाएंगे, देखते हैं 3 देखते हैं, 3 7 21 नहीं जाएंगे, 2 जाएंगे, 2 7 14 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, कितना बचेगा यहाँ, 2, और यहाँ कितना बचेगा, 4, आगे का 3 नोट कर लिया। अब 4 धाम 40, पूरे 10 बार नहीं देते हैं, 9 बार देते हैं, ठीक है, 9 7 63 हासिल लगा 6, और 9 चौक 36 और 6 42, तो इसका 29 आ गया, उसका 13, तो 47 से कटेगा, ऊपर हो गया 13, नीचे हो गया 29, तो हाँ ये हो गया इसका सरलता रूप, कौन सा हो गया, डी। समझ में आ गया कि लास्ट मासा की हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी, कि अब 47 हो एक अभाज्य संख्या है भाई, 47 से पहली वाली सब तुम्हें देखनी पड़ेगी अभाज्य संख्याएं, कौन की, 3 फिर 5 फिर 7 11 13 हैं, इन तो नहीं, इसका वो पूछता ये मासा पूछता 47, लेकिन यहाँ पर मासा नहीं पूछा, इन्होंने कहा इसका सरलतम रूप कौन सा है, तो सरलतम रूप हमेशा कौन सा मिलेगा, इन दोनों का मासा ही इन दोनों को काटेगा, और जो काट भी है ये
चलो बी वाला है तो बी वाला नोट कर लो, बी है। तो समझ में आ गया कि मासा, जब मासा जो निकल के आ जाएगा उससे इन दोनों को विभाजित करना है, और आराम से हमें क्या मिल जाएगा, एच सी। ठीक, नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसका, इसमें भी इन्होंने बोला है कि दो ये 777/1147 का सरलतम रूप है। 777/1147 इसका हमें सरलतम रूप बताना है कौन सा होगा। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, पहले इनका हम क्या ज्ञात करें, एचसीएफ। जो एचसीएफ होगा वो दोनों को विभाजित करेगा पूर्णता, या फिर चेक करो कि पहले कितने से चेक करोगे, 3 से, फिर 7 से, फिर 11 से, जितनी अभाज्य संख्याएं चेक करते रहो, या फिर डायरेक्ट देख लो कौन संख्या से कटेगी तो एचसीएफ होगा वो बता देगा। तो छोटा कौन है इनमें, 777 से हम भाग करेंगे कितने, 1147। कितने बार जाएंगे, एक बार जाएगा, और हमने सेम टू सेम ये नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ कितना मिलेगा, 0, यहाँ 7 और यहाँ 3। अब इस भाग, ये शेषफल है, इससे इस वाले को भाग करना है, तो 777 यहाँ नोट कर लेंगे हम। अब कितना बार जाएगा, दो चला जाएगा, तो 2 बार लिख दो यहाँ पर, मैं जगह ना हो तो ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना बचेगा, पहले गुणा कर लो, तो 0, 4, हाँ से लगा 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7। यहाँ 7 बचा, यहाँ कितना बचा, 3, और यहाँ कुछ नहीं। अब ये जो तुम्हारा 37 है, ये दिख रहा है, इसे पूरा पूरा विभाजित कर ही देगा, ये 37 है, 37 और 0, ऐसे नोट करना 10 बार। चलो, तो इसका मतलब 37 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, एच सी एफ। जो 37 होगा वो दोनों को ही विभाजित कर देगा। तो 37 से डायरेक्ट देखते हैं भाग क्या जाएगा, है ना, तो 37 दूनी ज़्यादा हो जाएगा ना, कितना होगा, 72, नहीं 74, 74 होगा ना, तो 74 ज़्यादा ज़्यादा नहीं, पूरा हो रहा है भाई, हाँ कमी आ रहा है, तो 2 बार चले गए, कितना बचा, 3 बचेगा ना, तो 37 एकम 37। अब भाग में आ जाओ, अब हम 37 से यहाँ भाग करेंगे, लेकिन पहले चेक कर लो 21 अगर एक ही हो तो वही वाला हो जाएगा, एक ही है 21, तो इसलिए हम हल नहीं करेंगे। देखो, एक से ज़्यादा जब ऑप्शन होंगे तो हल करना, तो भाग में कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, हाँ 2 देख, तो ऊपर वाला ही चेक करो, ठीक है, हाँ वो ही चेक कर लो, लेकिन जो हमने एक वाला किया था उसमें ऊपर वाले भी 2 दिए थे, नीचे वाले भी 2 दिए थे, तो इसलिए पहले ये चेक कर लो। तो इसमें देखो सरल पड़ गया, ये तो कुछ सरल पड़ जाएंगे, लेकिन कब पड़ेंगे, जब उनके ऑप्शन एक दिया हो और छोटी संख्या मिले। वह 47 मिल रहा था हमें संख्या में, या 37 मिला है ना, तो आगे समझिए कि एच सी एफ जो होगा उससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगे। हाँ ठीक है, ऐसे पूछते तो 37, ठीक नहीं तो, है ना। तीसरा हल करेंगे अब हम, तीसरे में इन्होंने क्या कहा है समझेंगे। इन्होंने 2 संख्याएं दी हैं, एक दिए 23 24, मतलब 23 और 24, 23 24, दूसरी क्या दी है, दूसरी हाँ 81 48। अब कहा है का महत्तम समापवर्तक क्या है, मतलब एच सी एफ मासा हमें ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। तो इसकी हमारी 2 ट्रिक हैं। फर्स्ट क्या है, दोनों के गुणनखंड करो, दोनों के क्या करेंगे, गुणनखंड, और जो कॉमन होगा और उसकी छोटी पावर, कॉमन होगा और छोटी पावर ही एच सी एफ कहलाएगी। कॉमन लेंगे, इन दोनों के हमने गुणनखंड किए, गुणनखंड करके दोनों के गुणनखंड में कॉमन कौन है, और जो कॉमन है उनकी घात भी देख सकते हो, तो जिसकी पावर मतलब घात छोटी वो वाला लेना है दोनों में से, अब वही एच सी एफ हो गया। या फिर क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से भाग करो, और तब तक भाग करेंगे जब तक पूर्ण कैंसिल नहीं हो जाए, और जो लास्ट में कैंसिल करेगा वो ही एच सी एफ। तो भाग विधि बहुत आसान लगती है ना, क्योंकि एच सी एफ पे दोनों के गुणनखंड करने और देखना है किससे डिवाइड होगा, और यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे। तो हम किससे भाग करें, छोटा कौन लग रहा है तुम्हें इसमें, 23 24 छोटा है भाई, और 81 48 बड़ा। ठीक, अब सपोज करो हमें इतना बड़ा पढ़ा याद नहीं है, 3 अंक इसके छिपा दो तो 3 अंक इधर हो जाएंगे, तो 2 चौक
लेकिन जब भी अंक छिपा दो पूरे मत देना, बार जो जा रहे हैं पूरे बार मत देना, कितना एक कम कर लो, तीन बार दे दो। अब इन तीन की गुणा इसमें करके यहाँ नोट कर लेंगे, तो तीन चौक बारह, यहाँ से लगा एक, तीन एक, तीन दूनी छः और एक सात, तीन तिया नौ और तीन दूनी छः। अब हम घटा लेंगे, कितना बचेगा यहाँ छः और यहाँ बचा सात और यहाँ पर बचा एक, है ना, और यहाँ सात में से तो यहाँ पर भी एक ही बचेगा क्योंकि सात बचा। अब जो शेषफल बचा है जिससे हमने भाग किया है उसे यहाँ लिख लेंगे शेषफल के आगे। अब हम इसे भाग करेंगे, ठीक। अब भाग करो, 11 दूनी 22, लेकिन आगे सात है ना, शायद कैसा लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर मतलब एक बचेगा, मान लो 22 में से गड़ाडी हो गया 12, सात दूनी तो 14 होता है, इसलिए एक बार, एक। और एक बार जब दोगे तो सेम टू सेम ऐसा ही नोट कर लो, एक से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब इसे हम घटा लेंगे, 14 में से 6 गया है, 14 में से 6 गया, अभी घटा रहे ना तो 8 बचेगा ना, और यहाँ 11 हो गया, 11 में से 7 गए तो 4 बचा, और यहाँ बचा एक, हाँ एक बचेगा, और यहाँ पर भी एक। अब इस वाले से मतलब अब इस वाले को इसके आगे लिख देंगे 11 76, यहाँ पर भी एक भी बार जा रहा है, तो एक बार लिख दिया हमने और सेम टू सेम नोट कर लिया। फिर हमने यहाँ घटाया तो यहाँ 8 बचेगा, या 6 में से 4 गए तो 2 बचा, और यहाँ कुछ नहीं। अब 28 को इस वाले से, जो इस वाला इधर आ 11 48 है, इससे 28 से भाग करेंगे तो 30 मान लो, तो 3 3 9 होगा ना, 3 4 12 ज़्यादा हो जाएगा, चार बार चले जाएंगे क्योंकि ये 28 30 पूरा नहीं है ना, चार देख लो, 4 8 32 हासिल लगा 3। अभी यहाँ तक दो भाई, है ना, क्योंकि पूरे में नहीं जा रहा, अभी यहाँ तक ही जाएगा, तो 4 8 32 हासिल लगा 3, 4 2 8 और 3 11। अब हमने घटाया कितना बचा 2, या इधर कुछ नहीं। अब ये मत समझना कि 28 अब इसके आगे नोट कर ले, जब तक शेष पूर्ण रूप से नहीं बच जाए, जब तक शेष पूर्ण रूप से नहीं बचे, तो 28 बन गया ये, और 28 एकम, तो अंत में कौन सी संख्या ने पूर्ण रूप से डिवाइड किया इसे, 28। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, लासा, वो लासा नहीं मासा, HCF या मासा कितना हो गया, 28 हो गया। आगे समझ में किस प्रकार से आया है, इसे तब तक विभाजित करते रहो जब तक कि पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो जाए। अब इसमें सिर्फ भाग करना है, और यहाँ हम गुणनखंड करते, दोनों गुणनखंड, फिर हमें ये चेक करना होता कि कौन सी संख्या से कट रहे हैं, है ना, ये विधि मेथड हमें कैसे लगता है सर। तो इसका 28 वाला ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक, नोट कर सर। चौथा क्वेश्चन देखें भाई, चौथे में अब देखो ऊपर कितनी संख्याएं दी थी, सिर्फ 2, इस बार 4 संख्याएं दी हैं और कहा महत्तम समापवर्तक है, तो हम कैसे हल करेंगे इसे समझो। चौथा है और इसमें 4 संख्याएं, पहला है 96 शायद, है देख लो, 96 के बाद 528 में, फिर 2160, फिर 3520, ये हमें 4 संख्याएं मिल गई। अब कहा कि का महत्तम समापवर्तक होगा, तो क्या करना है इसमें, इसमें सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग करो, पहले सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को भाग करें, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 96 है भाई, 96 है ना, और सबसे बड़ी कितनी है, 3520। अब भाग करो भाई, तो 96 से तो भाग जाए, मतलब 96 का याद नहीं, 9 का तो याद है, 9 4 36 ज़्यादा हो रहा ना, तो 9 3 27 देखते हैं, 3 6, अब गुणा करके लिखना इसके नीचे, 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, और 3 9 27 और 1 28, घटाओ जरा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 12 में से 8 जाएगा, और 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 6, और यहाँ कुछ नहीं। अब 64 है, अब इसके आगे कितना आ जाएगा, 96, 96 को भाग करेंगे
तो एक ही बार जाएगा भाई, है ना, 64 सेम टू सेम नोट कर लो, यहाँ 6 में से 4 दो बचा और 9 में से 6 गए तो 3 बचा, अब 32 के आगे अब ये वाला 64 नोट कर ले, और 32 दूनी 64, मतलब 64 हो जाएगा अब ये, और इसने कर दिया कैंसिल, मतलब इन दोनों संख्याओं की अगर हम बात करें 96 और 35 20 की, तो इनका कितना आएगा 32 आए। अब ये जो 32 है, या तो इन दोनों को भाग कर लो इससे, या इन दोनों का एलसीएम निकालो, उसको इससे भाग कर देना, थोड़ा छोटा तो इन दोनों का अलग निकाल ले रहा है ना, ये 32 से ही भाग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो 32 से ही भाग कर लो या इनका निकाल लो, दोनों को 32 से भाग कर लेते थोड़ा सरल लगेगा, है ना, या फिर दोनों का निकाल ले, दोनों का निकाल ले, चलो तो दोनों में छोटा कौन है भाई, 528 भाग करेंगे कितने को, 21 60 को, तो 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 देखते हैं 4 बार जाता है या नहीं जाता है, है ना, 4 लिख लो यहाँ, 4 8 32 यहाँ से लगा 3, और 4 2 8 और 3 11 यहाँ से लगा 1, 4 5 20 और 1 21 यहाँ बचेगा 8, 10 में से 2 जाएगा, और 5 में से 1 गया तो 4, इधर तो कुछ नहीं, अब 48 के आगे लिखेंगे 528, अब 4 से भाग कर लो, 5 से मान लो, 5 से करोगे तो 5 10 50 पूरे जाएगा, 10 बार कभी नहीं देते हैं, कितना देंगे, 9 9 8 72 यहाँ से लगा 7, 9 चौक 36 और 7 43 घटा लो जरा, 8 में से 2 गए 6 बचा, 12 में से 3 गए तो 9 बचे, और इधर कुछ नहीं, लेकिन ये तो ज़्यादा आ गया नहीं, नहीं यहाँ पर अभी और बार जाना चाहिए फिर तो भाई, क्यों भाई, यहाँ देखो इसका मतलब ये होगा शुरू में चला जाएगा बार भाई, एक बार देना है शुरू में, अपने ने बहुत आगे बढ़ गए, शुरू में एक बार चला जाएगा ना, ये 52 हो रहा है, ये 48 हो रहा है, हाँ तो एक बार दे दो 48, कितना बचेगा, अब यहाँ बचेगा 4, इधर कुछ नहीं, 8 नोट कर लिया, 48 है कम 48, तो इसका मतलब किसने पूरा पूरा डिवाइड किया, 48 ने, तो इसका एचसीएफ 48 और इसका 32, तो 32 48 का निकाल लो इनका, अब हमें पता चल जाएगा, तो 32 से 48 को क्या करेंगे हम भाग, तो 32 से कम 32, यहाँ बचेगा हमारा 6 और यहाँ बचेगा 1, अब हम 16 से भाग करेंगे किसे, इस वाले को, तो 16 दूनी, तो इन दोनों को किसने पूरा पूरा डिवाइड किया, 16, तो हमारा इसका चारों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, या वो मासा क्या हो जाए, एचसीएफ, या हम बोले सी आएगा या, और एफ या बोले क्या इसे मासा, कितना आएगा 16, आगे समझ में, पहले क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से बड़ी वाले को भाग करो और देखो इनका एचसीएफ कितना बना, फिर जो दो संख्याएं बची उनका एचसीएफ कितना बना, फिर उन दोनों का, उनका जो एचसीएफ आया और इसका जो एचसीएफ आया, दोनों का एचसीएफ कितना बना, सपोज करो 3 संख्याएं होती तो जो एचसीएफ आता उसी से हम तीसरी संख्या को भाग कर लेते, इसी टाइप से पहले दो का निकालते, हाँ तीसरी के साथ में, ठीक है, हाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट, तो दो संख्याओं का 3 संख्याओं का 4 का आप निकाल सकते हो, है ना, ठीक, अब पॉइंट वाला, तो हमने सीख लिया कि दो संख्याओं का 3 संख्याओं का या 4 संख्याएं अगर हमें कैसी दी है, पूर्णांक के रूप में दी है, मतलब पूरी पूरी संख्याएं दी हैं, तो उनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब हमें पूर्णांक के रूप में नहीं देंगे, ये दशमलव में देंगे या भिन्न में देंगे, है ना, तो हमें बताना है कि उनका एचसीएफ क्या होगा, अब देखो यहाँ ध्यान रखो कि अगर कहीं दो संख्याएं किससे नहीं है, भिन्न में नहीं है, इस टाइप से ध्यान रखना, मैं मान ले रहा हूँ सी अपॉन डी, और हमसे कहें कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, हमसे पूछे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, ये इस बार टीईटी में क्वेश्चन आया था कि पूछा कि बताओ इसका एचसीएफ क्या है,
या एलसीएम क्या है, ये ध्यान नहीं रहा इसलिए पूछा था कि ये एलसीएम, लेकिन पूछा इसी टाइप का था, भिन्न में था। तो इसका हम कैसे करें, जैसे हमें इसका चाहिए एच सी एफ, मान लो क्या चाहिए हमें इसका एच सी एफ, तो क्या करना है, जो ऊपर हमें क्या दिए हैं अंश, अंश का एच सी एफ निकालो, जैसे तुम निकालते हो अंश का क्या निकालना है एच सी एफ, और जो हर होंगे उनका एल सी एम लिखना होगा, एल सी एम, ठीक है। एच सी एफ के लिए क्या करना होगा, अंश का एच सी एफ ही निकालेंगे लेकिन हर का एल सी एम निकालेंगे, तब इसका एच सी एफ कहलाएगा भिन्न का। अगर हमसे एल सी एम पूछेंगे तो हम जस्ट उल्टा कर देंगे एल सी एम, तो क्या होगा, जो अंश है उसका हम क्या निकालेंगे, अंश का निकालेंगे एल सी एम, और हर का क्या निकाल देंगे फिर एच सी एफ, एच सी एफ। आगे समझ में किस प्रकार से होगा, एच सी एफ पूछेंगे तो अंश का एच सी एफ, हर का एल सी एम, और एल सी एम पूछ रहे हैं तो अंश का एल सी एम, हर का एच सी एम, वो हर अंश वही रहेगा जो पूछ रहे हैं लेकिन हर उल्टा हो जाएगा। अब देखते हैं कि किस प्रकार से होगा हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवे क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि 1.75 है ना, फिर इन्होंने बोला है 5.6 तथा करके, ये हम कॉमा करके लिख देना है 7, यही तो है, का महत्तम समापवर्तक क्या है, ठीक। अब ये पूर्णांक तो है नहीं, जब ये पूर्णांक नहीं है तो हम इसे भिन्न में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, भिन्न में। भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, देखो पॉइंट के बाद, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे ऐसे करके, और पॉइंट से पहले एक मान लेते हैं और बाद में जितने अंक है उतने जीरो, फिर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब इतना लिखोगे बोरिंग लगता है ना, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम नीचे क्या करेंगे, हम ऊपर वाले में से पॉइंट हटा देंगे और नीचे एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिस एक लगा के जितने उसमें जीरो है, दिखाना नहीं है डायरेक्ट ऐसे लिख लो, तो एक लिख के कितने जीरो लगा लेंगे दो, और यहाँ पर 56 है इसमें पॉइंट के बाद दो जीरो, वो एक जीरो एक अंक है तो कितना हो जाएगा एक जीरो, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही नोट कर लो, बटे में एक मान लो क्योंकि हमें सबके अंश चाहिए है ना। अब हमें इसका क्या चाहिए एच सी एफ, तो एच सी एफ निकालने के लिए क्या बोला कि अंश है उनका तो एच सी एफ निकालो, लेकिन हर का क्या निकालना है एल सी एफ, आगे समझे। तो इनका तो हम एच सी एफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या से बड़ी वाले को भाग कर लो पहले है ना, अंश की बात हो रही है तो 7 से हम भाग करें कितने को 175, तो 7 × 2 = 14 कितना बचेगा 3, और हो गया कितना 5 लगा के 35, और 7 × 5 इसका मतलब इनका तो भाई 7 ने पूरा पूरा डिवाइड कर ही दिया, तो 7 हो गया एचसीएफ बड़े का और छोटे वाले। अब 7 से देखो 56 भी कट रहा है या नहीं कट रहा, 7 × 8 = 56 पूरा कटेगा 7, मतलब इनका अंश का एचसीएफ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अंश का एचसीएफ हमने निकाल लिया, अंश का एचसीएफ कितना आ गया हमारा 7। नियम कह रहा है कि हमें निकालना है हर का एलसीएम। अब ध्यान देना, अगर नीचे जीरो जीरो लगे हुए हैं संख्या में और एक लिखा है तो हमेशा बड़ा वाला होता है, या कोई भी दो संख्याएं लिखी है छोटी वाली संख्याओं से बड़ी संख्या पूरी विभाजित हो रही, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो बड़ी वाली हमेशा क्या होती है एलसीएम होती है, ठीक है। तो यहां से 10 से भी 100 कट जाएगा और 1 से भी 100 कट जाएगा, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 100 ही है, तो जो हमारे हर हैं उनका एलसीएम कितना हो गया एलसीएम, उनका एलसीएम हो गया 100 है ना। तो हर का एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें 100, और हमें चाहिए इस इनका एचसीएफ, और ये क्या बन गए भिन्न अपूर्णांक कहीं है। तो अब इनका एचसीएफ क्या होगा ऊपर वालों का, तो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर क्या होगा अंश का एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ कितना मिला 7, भाग में हर का क्या एलसीएम, तो भाग में कितना मिलेगा 100, 7/100 ऑप्शन होगा ये सही कर लो, या फिर 100 से कर लो भाग, फिर अगर बटे में नहीं दिया है तो 100 से भाग करने से अच्छा इसमें कितने जीरो हैं, तो दो अंक से पहले पॉइंट लगा दो,
तो सात एक अंक हो गया, एक अंक और चाहिए तो क्या होगा, जीरो। सात जीरो हो गया, अब इससे पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट। लेकिन जब भी पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट से पहले कुछ ना कुछ नंबर लिखना पड़ता है, तो कुछ नहीं है तो जीरो। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 0.07। आ गया समझ में, कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ए ऑप्शन हो गया। फिर से समझ लो इस बात पॉइंट को कि किसी का हमें एचसीएफ चाहिए और वो है भिन्न, तो जो चीज हमें चाहिए वो तो अंश का निकालना ही निकालना है, लेकिन हर जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। एचसीएफ चाहिए तो आर का क्या होगा, एलसीएफ। और ये प्रोसेस कब लगेगी, भिन्नों में, या अपूर्णांक है तो उनको भिन्नों में चेंज कर लो, ठीक है। हाँ, क्योंकि लोग दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं तो कंफ्यूजन पड़ जाते हैं, लेकिन हर क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, ठीक। हाँ ठीक, नोट कर लो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये 6, और ये भी अपूर्णांक है भाई, ये भी इसमें क्या है, जो संख्याएं दी है पूर्णांक में नहीं है, किसमें, दशमलव में। अब ये ध्यान देना, देखो हम जो कर रहे हैं वो दशमलव वाली कर तो रहे हैं, बाई चांस ये भिन्न में भी लिख के दे सकते हैं, तो मेथड यही अपनाना भाई, है ना। क्योंकि दशमलव बारी हम करते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, 10 का गुणांक आएगा, शून्य शून्य आते ना, तो उनका भी एलसीएफ आराम से निकाल लेते, बड़ा वाला हो जाएगा। लेकिन बाई चांस भिन्नों में ऐसा भी दे सकते हैं कि उनके जो हर हैं उनका एलसीएफ तुम्हें निकालना पड़े, तो निकालना है भाई, ठीक है। हाँ, तो मेथड वही लगाएंगे, पहले ही नेम किस में चेंज कर लेंगे, भिन्नों में। तो देखते हैं पॉइंट के अंकों से पहले है उतने उतने अंक का, मतलब 10 का गुणांक लिख देंगे, तो यहाँ 24 और पॉइंट के अंक से पहले है 1, तो कितना आएगा 10, 10 में 1 0 है ना। यहाँ 36 लेकिन इसमें पॉइंट के अंक से पहले, तो यह कितना हो जाएगा 100। और यहाँ 72 लिख लेंगे इसमें पॉइंट के अंक से पहले 1। अब ये क्या है, भिन्न बन गई, तो भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अंश का तो एचसीएफ लेना है लेकिन हर का एलसीएफ, जस्ट उल्टा करना है। तो निकाल लो इनका एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ के लिए हम बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या से बड़ी वाले को क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आएगा, 24 से कितने को भाग करेंगे, 72 को, तो कितना बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, देखते हैं। तो 3 चौक 12, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 24 ने पूरा पूरा डिवाइड किया, तो कौन हो गया इन दोनों का एचसीएफ, 24 हो गया। अब जो एचसीएफ आया उसका तीसरे वाले के साथ देख लो, तो 24 से भाग करेंगे कितने को, 36 को, तो अभी तो एक बार जाएगा भाई, 24 से कम 24, कितना बचेगा, 12, 12 से 24 को भाग करो कितना जाएगा, 2 बार जाएंगे और 12 इसे पूरा पूर्णता विभाजित कर देगा। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया हमारा इसका, 12। हाँ, तो जो अंश हैं उनका एचसीएफ हमारा आ गया अंश का, पेपरों में तो डायरेक्ट लिखना है, तो मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 12। और जो हमारे हर बचे उनका हमें क्या निकालना है भाई, उसका हमें चाहिए एलसीएफ, जस्ट उल्टा, एलसीएम जो पूछ रहे हैं उसका जस्ट उल्टा, एलसीएम पूछ रहे हैं तो एचसीएफ, और एचसीएफ पूछ रहे हैं तो एलसीएम, किसका, हर का। अब इनका निकालना बहुत आसान होता है, इसमें जो बड़ा है वही ले लो, 10 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा ना, तो कितना हो गया, 100। अब हमें चाहिए इस तीनों संख्याओं का एचसीएफ, तो तीनों का एचसीएफ बराबर क्या होगा, फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो, यहाँ हाँ अंश का एचसीएफ भाग में हर का एलसीएफ, तो 12/100। ये मत लिखना, ये लिख लेना और डायरेक्ट भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 0.12, ये होगा अपूर्णांक में। तो कितना हो गया इसका भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। तो अब समझ में आ गया, 2 क्वेश्चन काफी इसके लिए, है ना, और नहीं करेंगे। और मैंने बता दिया कि बाय चांस यहां पर अभी तो ये पॉइंटों में दिया है, भिन्न में देंगे लेकिन वहां 10 और ये 100 नहीं मिलेंगे, कोई अदर नंबर मिलेंगे, दूसरी संख्याएं, तो उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, और निकाल के तब भाग कर देना फिर, ठीक। हाँ नोट कर लो।
कहा ना आपकी। तो हमने इसके 6 क्वेश्चन कर लिए और हमने सीखा कि अगर भिन्न में कोई संख्या दी है या अपूर्णांक कोई संख्या दी है तो उनका एलसीएम हम कैसे ज्ञात कर सकते। सेम टू सेम एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चन होंगे तो हम बाद में बढ़ा लेंगे, लेकिन एलसीएम भी इसी तरह इसी मेथड से होगा कि अंश का हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम और हर का लेंगे एचसीएम, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं 7वां, और इसमें क्या कहते हैं ये समझेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि एचसीएफ क्या होगा, फिर समझ में आएगा ये। एचसीएफ अगर हम गुणनखंड करते हैं तो जो दोनों में कॉमन है कैसा है, कॉमन वाला होगा उभयनिष्ठ, है ना, उसे हम बोलेंगे एचसीएफ। और पावर कैसी होगी, छोटे वाले, है ना। और शेष बच जाता है जो दोनों में कॉमन नहीं, वो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे समझ में। अब हमने जब सरल की थी ऐसे ये संख्याएं, जैसे हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया, तो हम इसे किससे काटते थे, अरे एचसीएफ से ही तो काटते थे, शेष बच गया वो। अगर एचसीएफ के बाद में ये कटने का नहीं है, ये संख्याएं कैसी हो जाएंगी, सह अभाज्य, मतलब एक दूसरे को अब ये नहीं काटेंगे किसी भी संख्या से। आगे समझ में। तो जो अनुपात बचेगा वो एचसीएफ छोड़कर शेष बचेगा। आगे समझ में। अब इसी मेथड पे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने बोला है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं दे दी, मान लो ए बी, हम मान ले रहे हैं संख्याएं, मान ले रहे हैं अभी, वैसे नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। 5:5, अनुपात का मतलब भाग में कितना है, 4, यही है ना, 5:6 है, सॉरी 4 नहीं 6 है, 5:6 के अनुपात में यदि इनका महत्तम समापवर्तक मतलब एच सी एफ कितना दिया है, 4 दिया है सी एफ, ठीक, हमने नोट कर लिया। तो क्या कह रहे हैं ये, तो इनका लघुतम समापवर्तक कितना है, इनका क्या ज्ञात करना है, लघुतम समापवर्तक। तो लघुतम मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में क्या करते हैं, हम पहले वो चीज लिखते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, फिर शेष लिख देते हैं गुणा में, यही तो होता है। तो अगर हमें इसका एलसीएम चाहिए, एलसीएम, तो दोनों का क्या कॉमन और कॉमन में होगा वो ही तो आएगा यहां पर भाई, कॉमन वाला ही तो एचसीएफ होगा, कॉमन वाला हमने 4 लिख लिया। अब शेष बचा, शेष ये बचे होंगे तो 5:6, ये डायरेक्टली अब हो जाएगा, लो गुणा करो, 5 × 20 और 20 × 6 = 120, आगे डायरेक्टली। तो ये समझ लो, माइंड में समझना है कि ये है क्या चीज, ये शेष बचा हुआ है, कॉमन ये है, आगे समझ में, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एलसीएम बराबर एचसीएफ, अगर पावर दी है तो बड़ी पावर, अब यहां पावर का तो जिक्र हुआ नहीं है, तो जो कॉमन है वो ही लिखेंगे। अब उसके आगे जो शेष बचा दोनों संख्याओं का, तो हाँ, तो अनुपात में शेष सी बचता है एलसीएफ के बगैर। हमने जब सरलतम रूप ज्ञात किया था तो हमने क्या किया था, एलसीएफ से दोनों संख्याएं काट दी और शेष बच गया, वो सरलतम रूप हो गया। तो एच सी एफ क्या होगा, दोनों में अगर हम गुणा कर दें एच सी एफ से तो दोनों संख्याएं नहीं बन जाएंगी, और उनके एलसीएम जब निकालोगे तो उभयनिष्ठ और शेष बचे वाले के भी गुणा, यही तो होता है कि दो संख्याओं का गुणनखंड किए हमने और उनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है पहले वो लिख लिए, उभयनिष्ठ वाले एक ही बार लिखा जाता है, क्योंकि दोनों में यहां पर भी हम कितने से गुणा करेंगे, जैसे इसका एच सी एफ कितना है, 4 है, तो 4 से हम यहां पर भी करेंगे, 4 से नीचे भी, तो 4 दो बार नहीं लिखा जाएगा, 4×4, 4 एक ही बार लिखा जाएगा उभयनिष्ठ है तो। और फिर जो शेष बचा मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं, तो उभयनिष्ठ नहीं होगा तभी तो 5 और 6 बचा होगा, उभयनिष्ठ होता तो ये कॉमन नहीं हो जाता, तो 5×6 और सबकी हमने कर दी गुणा तो बन गया 120, ठीक, हाँ नोट कर लो। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः 8 और 48 है। दो संख्याएं हैं, एक का मासा, मासा का मतलब ऐसी है, हिंदी में लिखा तो हिंदी में लिख देते हैं, क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 8वां। मासा कितना दिया है, 8, और लासा दिया है इन्होंने 48। और एक बात ध्यान देना, हमेशा
कि जो मासा होगा वो लासा को पूर्णता विभाजित करेगा। अगर पूर्णता विभाजित नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं पर गलती है, पूरा पूरा डिवाइड करेगा इसे मासा लासा को, लासा हमेशा बड़ा होगा, पूरा पूरा विभाजित करेगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है यदि इनमें से एक संख्या 24 है, एक संख्या मतलब हम पहली संख्या मान ले रहे हैं, क्या है ए, कितना है 24, तो कह रहे हैं बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमने नियम क्या पढ़ा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा, है ना, लासा गुणा मासा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एल गुणा एच, और हमें चाहिए दूसरी संख्या, तो ये वाला कहाँ होगा, भाग में होगा नहीं होगा, मतलब बी बराबर होगा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा भाग में बी, वो ए। अब किसी का भी तुम्हें ज्ञात करना हो, ये फार्मूला बोलेगा कि उन दो जो एक साइड वाले हैं उनकी गुणा कर लो और भाग में दूसरा ले लो। अगर इसमें पूछते कि लासा बताइए, दोनों संख्याएं दे देते और क्या दे देते, मासा दे देते, तो हम मासा से इन दोनों के गुणनफल को भाग कर देते, तो अब डायरेक्ट लगाएंगे कि मासा गुणा लासा भाग में पहले संख्या, या अगर ये लासा पूछते तो दोनों संख्या गुणा भाग में मासा, तो गुणा में लिख लो लासा कितना 48, मासा कितना है 8 भाग में 24, तो 24 दूनी तो 48 होता है भाई, और 8 दूनी कितना हो गया 16, मतलब दूसरी जो संख्या होगी वो 16 होगी, तो दूसरी संख्या 16 होगी, कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, सी ऑप्शन अपना सही है। आगे समझ में कि सी ऑप्शन करें, तो नवाबी कर ही लेते हैं, क्या कह रहे हैं नवी वाले में, 12 के गुणजों का लघुतम समापवर्तक 56 है, 12 के गुणज मतलब 12 के जो पहाड़े में आएंगे, 12 24 36 48 60, तो इनका जब तुम एलसीएम निकालोगे तो क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा, क्योंकि 12 जो होगा सभी को पूर्णता विभाजित करेगा, जो पूरा पूरा विभाजित करेगा ना सभी को, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, मासा होता है। तो इन्होंने इनडायरेक्ट रूप में बोला कि एचसीएफ तुम्हें कितना लेना है, 12 लेना है, अगे समझ में, और इसका लघुतम समापवर्तक का मतलब क्या हुआ, ये एलसीएम हो गया, अलासा हो गया ना, एलसीएम कितना है 1056। ठीक है, करें यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या होगी, तो एक संख्या हम पहली ए मान ले रहे हैं 132 और हमें बी चाहिए, तो सेम फार्मूला यही अप्लाई कर दो, बी बराबर लासा गुणा मासा बटे पहली संख्या, तो डायरेक्ट लगा दे रहे हैं हम दूसरी संख्या बराबर लासा 1056 गुणा मासा 12 भाग में 132। ठीक है, मासा से दोनों संख्या घटती है पूर्णता, ध्यान रखना वही मासा होगा, है ना, तो 12 से देखो ये कट जाएगा, 12 एकम 12 और फिर 12 एकम हो गया ना, अब 11 बचा ये आ गया, भाग 11 से कर लो 1056 को, तो 11 ने 99, 105 में से 99 गए, 6 बचा, 6 का हो गया 66 और 11 छंग 66, मतलब दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी 96 हो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, सी ऑप्शन। समझ में आ गया कि यहां पर जो था वो लासा इन्होंने डायरेक्ट बोला है, लेकिन यहां लासा नहीं वो मासा सॉरी, और यहां मासा डायरेक्ट नहीं बोल गए, उन्होंने बताया कि मासा क्या होगा यह, है ना, तो यह हमें लॉजिक समझना है। ठीक, हाँ नोट कर लो,